हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सचिवालय शिमला में नीति आयोग के सदस्यों के साथ मिलकर बैठक की। पोषण अभियान को किस तरह से प्रदेश में और सशक्त तरीके से चलाया जाए, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम जयराम ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुए। सुनाते हैं आपको सीएम जयराम ठाकुर ने क्या कहा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हमारे यहाँ पर इसके सिलसिले में हुई, सेमिनार के रूप में, जिसमें डॉक्टर पॉल नीति आयोग के हमारे बीच में हैं, साथ पूरी नीति आयोग की टीम आई है। और हिमाचल प्रदेश में पोषण अभियान में हम बेहतर कर सके, उस दृष्टि से बहुत सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर आज के सेमिनार में चर्चा हो रही है कि वैक्सीनेशन के इस अभियान में हिमाचल प्रदेश ने पहली डोज भी सबसे पहले पूरे देश भर में पूरी की, दूसरी डोज भी सबसे पहले पूरी की है। और इसके लिए हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, आदरणीय नड्डा जी आए थे हिमाचल प्रदेश में, और उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है, शुभकामनाएं दी है, बधाई भी दी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अभियान पूरा करना एक बात है, लेकिन हमें इसको सतत बनाए रखना, लगातार इसको मेंटेन करना, वैक्सीनेशन के अभियान में कहीं भी ढील ना आए, उस बात को सुनिश्चित करने की जो जरूरत है वो भी करना। कोरोना कोविड पर भी प्रेजेंटेशन दी है डॉक्टर पॉल ने, और खास तौर से पर्टिकुलरली ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, जो जिसके सिलसिले में बहुत चीजें आजकल समाचार पत्र में हम सुन रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि चिंता का विषय नहीं, आखिरकार ये भी कोविड का ही एक रूप है, और इस पर अभी तक बहुत सारी जानकारी हासिल की जा रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सावधानी एकमात्र उपाय।